may والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله سب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعل وأصحابك يا حبيب الله وعلى <السلام> آلك يا حبيب الله <السلام عليك> <السلام عليك>.

अल्लाह उस पर दस नाजिल फरमाता है दस गुना है स्वाँ स्वाँ और नाजरीन लेकर हाजिर है प्रोग्राम मेरा हम तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को मेरा प्यारा दिन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं से आपको हाँ हमारे प्यारे दिन दीन, दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलेंगी हम अपने इस प्रोग्राम में हदीस पाक भी याद किया करते हैं और उसके अलावा आपको सवाल भी दिया जाता है जिससे भी माशा जिससे भी इंफॉर्मेशन हासिल होती है और उसके अलावा हमने दूरदा की फजी फजीलत फ़, भी सुन ली तो इन पूरा प्रोग्राम मालूम ख़जाना है इन शह इंफॉमेशन ही इंफॉर्मेशन होगी तो फिर आपने कहीं जाना नहीं है हम आपके लिए प्यार प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं तो फिर आपने इसे देखना भी है इसकी दावत को आम करना है आप अपने दोस्तों को भी अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी इस प्रोग्राम को देखने की दावत दिया करें और मदनी चैनल देखने की दावत दिया करें क्योंकि इन इससे ज़्यादा से ज़्यादा दीन के प्यारी प्यारी बातें फैलेंगी और इनशाला हम अपने इस प्रोग्राम में प्यारे आकद सल्लिम की सुन्नतें भी सीखेंगे उसके अलावा हमारा सेगमेंट होता है करामत सहाबा तो ए उससे भी हम सहाबा कराम नदी की करामा सुनते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें हम हिस्ट्री सुनते हैं और हिस्ट्री तो सुनने में मज़ा भी आता है और हम सुन रहे हैं हजरत फारूक आजम रदील की बहुत ही प्यारी सी हिस्ट्री तो फिर आपने अव्वल अव्ल आखिर हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आज हमारे साथ शाहजेब भाई भी मौजूद हैं इन कलाम भी सुनेंगे उसके अलावा उनके साथ अफान भाई मौजूद हैं और अबान भाई मौजूद हैं और इस तरफ बगदाद भाई और अब्दुल हादी भाई मौजूद हैं तो इन हम मिलकर प्रोग्राम को लेकर चलेंगे और आज का सवाल ये है बताइए नबी पाक की विदादत किस दिन हुई हमारे प्यारे आका सुरलाह हदीफवारी सल्लम की विलादत किस दिन हुई दिन बताना है जी अबान भाई पीर के दिन हुई पीर के दिन सादी तो बगदाद भाई पीर के दिन और अफान भाई से पूछने पीर के दिन अब्दुल हादी भाई ये शरीफ के दिन पीर शरीफ के दिन तो इस तरह आप सबका जवाब दुरुस्त है तो आगे भी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपना सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है कलाम मेरा प्यारा मेरा प्यारा मेरा प्यारा दीन। प्यारा दीन। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट है कलाम और प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन तो मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम का ये सेगमेंट है कलाम और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाजीब भाई कैसे हैं शाजीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला कुल या आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला कुल हाल तो आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है सुभान बहुत ही प्यारा सा कलाम है क्या बताऊं कि क्या मदीना है तो हम सब ने मदीने की याद में इन मिलकर कर ये कलाम सुनना है और जिनको आता है वो मिलकर पढ़ पढ़ें तो इन श्ल बरकतें हासिल होंगी और इन वो दिन भी आएगा कि हम भी मदीने जाएंगे इन कया कयासो 神。 Yeah.

बिया आपसे आखिरी नबी है हबीब किब रिया आपसे आखिरी नबी बच्चा बच्चा बोल उठा आपसे आखिरी नबी ना रहे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सब माशा बहुत ही प्यारा सा कलाम सुनाया शाह से भाई ने अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत आता फरमाए और हम सबको बार बार मीठे मीठे, मीठे मदीने की बाद अब हाजरिया नसीब फरमाए आमीन बिजाह नबी नमीन सल्ला वसलम तो हमें इसी तरह कलाम पढ़ते रहना चाहिए और कलाम सुनते रहना चाहिए तो अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट में इंशाल्लाह हदीस से पाक याद करने की कोशिश करेंगे और सेगमेंट का नाम है एक प्यारी दीज. मेरा प्यारा, दी, मेरा प्यारा दी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट है एक प्यारी और इस सेगमेंट में बगदाद भी बताएंगे कि हम क्या करते हैं हदीस पाक याद करते हैं और जो हदीस पाक जल्दी सुनाता है वो जहीन बच्चा बन जाता है और अन नाजरन जो होती हैं उनकी पिक्चर्स को भी शामिल करता हूँ पिक्चर ऑफ़ द डे भी होती है जी हाँ हदीस पाक भी याद करते हैं और किड्स मदन चैनल के नाजरीन की आ, पिक्चर्स को भी शामिल करते हैं जो हदीसी मुबारक हमें लिखकर सेंड करते हैं तो आज भी इंशाल्लाह हम एक बहुत ही प्यारी सी पाक याद करेंगे जी तो प्यारे प्यारे बच्चों प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमारा मेरा, दी। मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और सेगमेंट कौन सा शुरू हुआ है एक, एक, एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हुआ है आप जरा ये अच्छे अंदाज से कौन बोल के बताएगा हमारे अफान भाई को माइक जरा सीधे हाथ से दीजिएगा जी ये अफान भाई ने माइक ले लिया है आप देखते हैं अफान भाई किस अंदाज से बोलते हैं कि सेगमेंट शुरू हो चुका है एक प्यारी हदीस शुरू हो गया है एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हो गया है एक प्यारी हदीस ये थे हमारे अफान भाई अफान भाई के बाद कौन बैठे हुए हैं माइक लगा हुआ आपके जी क्या नाम है आपका अबान जोर से अबान अच्छा हाथ ये उंगलियाँ ऐसे बाहर निकाल लें अच्छा यूँ बांधना जरूरी नहीं है लेकिन यू उंगलियों में उंगलियाँ नहीं डालते ठीक है थीके? अबान भाई सही है बाकी बांधना ज़रूरी नहीं है यूं भी बैठ सकते हैं यूँ भी बैठ सकते हैं यूँ भी बैठ सकते हैं ठीक है अब जरा मुस्कुरा के दिखाएं थोड़ा सा और, और थोड़ा सा दांत दिखा दें क्या बात है दांत अंदर छुपा लिया हमने खैर तो हमारे अबान भाई हैं अबान भाई कहाँ से आए सोच रहे हैं अच्छा कहाँ आए ये बता दें रज़ान मदीना में आए प्रोग्राम का नाम पता है एक प्यारी हदीस एक प्यारी हदीस प्रोग्राम का नाम है नहीं जी एक प्यारी हदीस प्रोग्राम का नाम नहीं है मेरा प्यारा दीन है प्रोग्राम का नाम क्या नाम है मेरा प्यारा दीन जोर से मेरा प्यारा दीन आप कहाँ रहते हैं इलाका कौन सा है लेख्ताबाद लिया तक जाएगी आपकी आवाज़ हो सकता है घर पे अम्मी देख रही हो अबू देख रहे हो अब आन की अब आवाज़ आएगी नहीं आएगी पता चल रहा है लेख्ताबाद आवाज़ ही नहीं जा रही पहुंचानी आवाज़ नहीं जोर से बात करें ना फिर क्या नाम है आपका अबान अबान और प्रेम का नाम फिर भूल गए <laughs> नाम है मेरा प्यारा आ, दीन। मेरा प्यारा दीन।, दीन और अबान भाई के बिल्कुल सामने कौन है आप है क्या नाम है आदि जोर से आदि भाई आपस में नहीं है मदरसे में पढ़ते हैं एक साथ पढ़ते हैं माशाल्लाह अब आपने बोलना है देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन ऐसे देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन जोर से देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन शुक्रिया जज़ाकअल्लाह मुस्कुराने अब जी और बगदाद भाई जी बगदाद भाई क्या बोलना है बोलना क्या है ये तो बताएं आप देख रहे हैं फ्र... ये तो बोलना ही था सेगमेंट का बताना था ना आप देख रहे हैं सेग्मेंट एक एक प्यारी प्यारी आप देख रहे हैं हदीस है जी और जिसके अंदर हम हदीस पाक को याद करते हैं और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं वो वोदी पाक को अच्छे अंदाज से लिखकर हमें सेंड करते हैं आइए स्क्रीन पर देखते हैं कौन सी हदीस पाक आज हम याद करने लगे हैं जी हदीस पाक فاطمۃ सल्हसू बुड यानी फ़ातिमा मेरे जिसम का टुकड़ा है सुभान अल्लाह क्या बात है हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अल्लाह तह अफ़ान भाई बताएंगे ये कौन है हमारे प्यारे नबी तो सलाम की जल्दी से बताना है हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं मदनी चैनल पर भी आते रहते हैं अफ़ान भाई उनको ये बात पता होनी चाहिए जी और हमारे अबान भाई फिर उसी तरह बैठ चुके हैं जिस तरह बैठने से उन्हें मना किया था जी और पता आपको पता है हादी भाई नहीं पता चले बगदाद भाई से पता करते है। ठीक है अब तोज्जो से सुनना है सुन रहे हैं बगदाद भाई के बाद आप बताएंगे ठीक है चले अब से सुने जी शहजादी बेटी जी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन है ये बेटी है शहजादी तो हम जाहिर तकरीब में प्यारे आका बादशाह हैं तो उनकी बेटी शहजादी है तो बेटी हैं कौन है बेटी और कौन से नंबर की हैं बताए जल्दी जल्दी जल। सबसे आखिरी सबसे छोटी वाली सबसे छोटी और लाडली ही बेटी शहजादी हजरत सयदना फातिमा तो कितनी बेटियाँ थी तीन चार कितनी थी चार कितनी थी चार और सबसे जो छोटी थी वो कौन है हजरत फातिमा तलाहा चले भाई अब बता रहे अब्दुल भाई ये हादी भाई हाथी नाम है आपका ये अब्दुल हादी है अब्दुल हादी।, अब्दुल हादी है ना नहीं जी अब्दुल हादी भाई कौन है हजरत फातिमा तो हमारे प्यार की हाँ, मतलब? कौन सी सबसे छोटी बड़ी सबसे छोटी जी अबान भाई हजरत तो फातिमा कौन है हमारे प्यारे नबीम की बेटी हाँ सबसे छोटी वाली बेटी है अब याद हो गया अफान भाई आइंदा बता देंगे नहीं हुआ कौन है हजरत फातिमा आपसे पूछ रहा हूँ फ़ान भाई आपसे बेटी है कौन है हाँ माइक में माइक में बेटी हाँ और कौन सी बड़ी वाली छोटी वाली छोटी वाली जी अब याद हो गया हो गया चले माशा तो बच्चे कुछ सीखते हैं तो कुछ भूल जाते हैं कुछ याद रहता है अभी हो सकता है याद रहा अफान भाई को कि हम यहाँ से प्रोग्राम से जाए तो उसके बाद में बाहर पूछ रहा हूँ क्या सीखा था अफान भाई बताएंगे हो सकता है कुछ बताएं कुछ है? भूल जाए लेकिन आप ऐसे प्रोग्राम देखते रहेंगे वंदी चैनल देखते रहेंगे तो ये बातें सीखते रहेंगे आइये दिशा पाक को भी याद करते हैं जी फात्रीमा तू फातिमा तू फातिमा तू फातिमा तू फाइमा तुम तू। आवाज निकाल कर फाइम तू फाइ बुध मिन्नी किस किसको याद हुआ किसी को भी नहीं याद हुआ वहाँ बान भाई को याद हो गया बान भाई आपने अगर सुना दिया तो आप बन जाएंगे जहीन बच्चे आज मुझे आपको जहीन बच्चे का टाइटल देना है ठीक है जी सफील्ला भाई आपने नज़र रखनी है कौन गलती कर रहा है कौन सही सुना रहा है आज इन शह भाई लेके जाएंगे जी अबान भाई बुध बुध थोड़ी सी गलती हुई है बड़ा ज़बरदस्त सुनाया वैसे बैसे क्या बात है और इनको तो हम प्योरिटी भी देते हैं ना नए नए आए तो आज हो सकता है यहीं जो है वो आपको टाइटल मिल जाए जहीन बच्चे का जी अफ़ान भाई वते मातु हम बुद हूं बुद हां हां बुद अतुम 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 मिन्नी माशाल्लाह आपकी भी अच्छी कोशिश जी अब्दुल अब्दुल्हादी भाई इमातु बुद आमिन्नी थोड़ी सी गलती हो रही है उनकी तरह सही कर तो बुद आमिन्नी बुद अतुम बुद अतुम मिन्नी मिन्नी अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह मुस्कुरा दें अब हाँ ऐसे मुस्कुरा के अच्छा लगता है ना जी तर्जुमा तर्जुमा क्यों अरबी कौन सुनाएगा जल्दी सुनाए तर... अरबी सुनाए अरबी जल्दी से तर्जुमा नहीं अरबी कॉले रसुल्लाम फातमा तो वो दुआ तुम मिलनी हम्म तो सबसे पहले तो सुनाया हमारे अबान भाई ने ठीक है? है उनको हम अभी भी ऊपर रखेंगे तो आइए तर्जुमे की तरफ चलते फातिमा मेरे जिसम का टुकड़ा है, फातिमा फातिमा का टुकड़ा है। हमारे प्यारे आका फरमाया फातिमा जिसम का टुकड़ा है जी हमारे प्यारे आकाम का फरमान फातिमा मेरे जिसम का टुकड़ा है फातिमा, फातिमा मेरे जिसम का टुकड़ा चले भाई कौन सुना रहा है अवान भाई सबसे पहले अवान भाई के पास चलेंगे फिर से जी हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया फातिमा तू मेरे का टुकड़ा है ओ, आ, चले, तर्जुमा सही है अरबी तो पूरी करें दोबारा से फातिमा तू फातिमा सुभान अल्लाह आप तर्जुमा सुनाए फातिमा मेरे जिसम का टुकड़ा है सुभान अल्लाह माशा तो मुझे लग रहा है इधर जाएगा टाइटल आज का जी अब्दुल हादी भाई फातिमा तू

काला आना मेरे जिसम का टुकड़ा है माशाल्लाह जी अफान भाई तू? साधु बुढ़ बुध, बुध आतुम मिन्नी माशाल्लाह फातिमा रदी अल्लाह ना मेरे जिसम का टुकड़ा है जी प्यारे आकलम का ये फरमान अच्छा इसमें दुरूद जैसे पढ़ना है खासतौर पर अबान भाई ये हम दुरुद पढ़ते ना प्यारे आकाल् वसल्लम इसको जल्दी में सल्लू कर देते तो अच्छे आने बात नहीं है दुरूद पढ़ें तो ठीक से पढ़ना चाहिए और दुरूद पढ़ना चाहिए और सही से पढ़ें समझ में आए तो माशा तकरीबन सब बच्चों को याद हो गई है आप कितनी देर के लिए याद हुई है ये पता नहीं लेकिन इन याद रहेगी कोशिश करेंगे दोहराते रहें इसको क्या करें रिवाइज करें तो याद रहेंगी और अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए आएंगे उसके बाद फिर ज़हन से बात चली जाएगी तो आज के जहीन बच्चे कौन है सफील्ला भाई अबान भाई कौन है अबान भाई और मुबारकबाद दे दें अफ़ान भाई अबान भाई को मुबारकबाद तो दे दें ऐसे शाबाज भी दे दें पीठ पे यूँ थपक के मुबारक हो सुना कर दें नहीं वही शर्मा है खैर हम कर देते हैं यहाँ दूर से माशाला ज़बरदस्त आप आते रहकर हमारे प्रोग्राम में और अगर ना आने को मिले तो घर पर भी हमारा प्रोग्राम आ जाता है आपके घर पर आ जाता है घर पर देखना चाहिए और भी प्यारे प्यारे से प्रोग्राम्स आते हैं उनको देखना चाहिए जी अभी अब तस्वीरों की तरफ चलना है सफील भाई तस्वीरें लाएँ लाए चलें भाई दिखाते हैं स्क्रीन पर एक प्यारी हदीस अक्रमांजा बकरी की इज्जत करो और कौन है भाई ये जैनब बतारियाँ हैं कश्मीर कॉलोनी गुजरावाला हाँ। से और जी बड़ा अच्छा अंदाज़ है लिखने का माशाल्लाह कोई ख़र्चा भी नहीं है ज़्यादा वही स्कूल की जो कॉपी है उसी को यूज़ कर लिया है लेकिन बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है लेकिन ये देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप लिख लिख के जो है वो सारी कॉपी से भर दें उसके बाद जो अपना स्कूल का काम हो उसके लिए पेजेस ढूंढ रहे हो तो ये ना हो ठीक है जी लेकिन लिखा आपने बहुत अच्छे अंदाज़ से है और इसमें बना हुआ क्या था लावर। जी? लावर ये क्या बना हुआ ये प्याला है क्या प्याले है प्याले और घास है।, है और बकरी कहां गई बकरी घास खा के चली गई क्या हुआ कट गई बकरी नहीं है यहाँ पे चलें ठीक है वो बकरी जानदार उसकी तस्वीर बनाने में जाहिर है मसायल हैं जानदार की तस्वीर ड्रॉ इस से नहीं की जा सकती की शक्ल वगैरह वाजे हो रही हो इसलिए उन्होंने उसका चारा पानी रख दिया है माशाल्लाह अच्छा अंदाज था जी नेक्स्ट मेरा प्यार दिन कला रसूल सल तसल् मफ्ताजन्नत नमाज जन्नत की है बुरेरा तारी है शारजा से इनकी तो कॉल भी आया करती थी क्या हुआ अबू अब की कॉल क्यों नहीं आ रही है भाई अच्छा और बड़ा अच्छे अंदाज़ से लिखा है लेकिन कला रसूल्ह की जगह रसूल अल्लाह लिख दिया है चले भाई ये सही कर लेना है आपने बाकी तो बड़ा अच्छा अंदाज़ है फ्लावर्स भी बहुत प्यारे प्यारे से हैं लपाक आपको मदीने के फूलों की तरह महकता और खुशबू देता रखे खुशबू यानी आपके अच्छे अखलाक और किरदार की खुशबू से महकता रहा है घर आपका माशाल्लाह जी नेक्स्ट वाह भाई वाह ये भी बड़ा अच्छा अंदाज है खाने काबा बनाया गया है उसकी तस्वीर बनाई गई है और चांद सितारा भी है और लिखा क्या है तुन फी तुन हज्ञा। हज्ञा। यानी रमजान में उम्र का सवाब हज के बराबर है वाह भाई वाह ये भी हमारी जैन बता रही है गुजरा वाला से माशा जी ये भी याद नहीं कराई हमने कराई है कराई है जी माशा नेक्स्ट वाह क्या जबरदस्त पिक्चर बनाई है भाई भाई अल अलजुमा तो हजुल्फ़ार जुमा गुराबा का गरीबों का हज है और लिखने वाले कौन हैं भाई नाम क्या है किन्जा तारियाँ हैं चकवाल से जी और शेर भी लिखा है गुलाम आपके जितने गरीब हैं गरीब हो फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊँगा ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत शेर भी और बहुत ही अच्छे अंदाज से ड्राइंग भी बनाई है पर थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कलर रह गए इसमें ये बनती है से भाई आप बताएँगे ये कोई मखसूस पिक्चर का अंदाज़ है मेरा ख्याल है इसमें कलर नहीं होते जी और भी है नेक्स्ट जी, जी। एक प्यारी हदीसूम मफ्ता नमा वज़ू नमाज की चाबी है, है। जाय नमाज भी बनी हुई है और नलका भी बना हुआ है और चाबी भी बनी हुई है और जेना बतारियाबादी है हमारी माशा तो नलका खोल के उसमें से पानी गिर रहा है थोड़ा सा ठीक है जी इससे वज़ू कर लें जल्दी जल्दी पानी ज़या नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक है माशा नेक्स्ट आल आरसल्ल वमालियाल का दारो मदारियतों पर है मोहम्मद अतरल रजा गुजर खान से माशा बहुत अच्छा अंदाज़ था फ्लावर्स वग़ैरह भी बने हुए हैं जी नेक्स्ट अलीफ दुनिया और आखिरत में आपने दिस लिख कर भेजी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों ने अदीस लिख कर भेजी है अल्लाह पाकिन की इन कोशिशों को कबूल फरमाए और प्यारे अकाल सलाम के इन फरामी पर अमल करने की भी सदत अता फरमाए आप पिक्चर ऑफ़ द डे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी सफील्ला भाई पिक्चर ऑफ द डे दिखाएंगे आप जी पिक्चर ऑफ़ द माशाला क्या बात है जी बहुत बहुत मुबारक हो हमारी बाजी को अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फ़रमाए इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है तो सफ़ी अल्लाह भाई से पता करते हैं आज वो हमारे लिए क्या लाए हैं करामत करामत साहबा सेगमेंट है, है जिसमें एक सहाबी की इन हम करामत सुनेंगे तो आपने तवज्जो से सुननी है जो मंदी चैनल पर हैं उन्होंने भी तवज्जो से सुननी है जो सोशल मीडिया पर है उन्होंने ख़ुद भी सुननी है औरों को भी सुनानी है और वो कैसे सुनाएंगे बगदाद भाई करके सेंड कर दें या शेयर कर दें क्या करें शेयर कर, कर दें दे ना। गया जी सोशल सोशल मीडिया का नहीं पता आपको चले भाई तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सोशल मीडिया के लिए आपको शेयर कर देना फेसबुक पे वो देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को आगे आप शेयर कर सकते हैं जी तो अब चलते हैं हम सेगमेंट करामाते

बिन जी हाँ हजरत रजीलो हैं जिन्होंने यमन की सरजमीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया कौन सी सरजमीन में यमन यमन में इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और प्यारे आका आकाशील ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा चलिए अब आप रजी की कराम सुनते हैं प्यारे बच्चों नबी पाक सल्लम की मौजूदगी में दो लोगों ने झूठे नबी होने का दावा किया हमारे प्यारे आकाम सल्हल अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं तो आप सलील वल वम के दौर में आपकी मौजूदगी में दो लोगों ने झूठा नबी होने का दावा, दावा किया उनमें से एक शख्स असवद अंसी भी था क्या नाम था अस्वद क्या नाम था असदी भी उनमें से था असदी ने जब यमन में नबूवत का दावा किया और लोगों का लोगों को अपना कलमा पढ़ने पर मजबूर करने लगा तो हजरत जुएब बिन कुलैब रजी ने बड़ी सख्ती के साथ उसकी झूठी नबूवत का इनकार करते हुए लोगों को उसकी फर्माबरदारी करने से रोकना शुरू कर दिया आप रजी अल्लाह ने क्या किया कि उस उस शख्स के साथ उसकी झूठी नबूवत का इनकार किया और लोगों को उसकी फरमाबरदारी करने से रोकना शुरू कर दिया अश्वदांसी को बहुत गुस्सा आया उसने आप रजी अल्लाह को गिरफ्तार कर, गिरफ्तार कर लिया क्या किया आप रजी अल्लाह को उसने क्या किया गिरफ्तार और जलती हुई आग में डाल दिया मगर प्यारे बच्चों, रसूल ज़ुएब बिन को आग से कपड़े भी नहीं जले हुई, थी आप के उस आग से आप रजी के, के, के कपड़े तक नहीं जले और आग पूरी की पूरी जल कर बुझ गई और सहाबी रसूल हजरत जोब बिन कुलैब रजन हो जिंदा सलामत रहे फिर प्यारे बच्चों जब यह खबर मदीना शरीफ पहुंची तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस करामत का तस्करा फरमाते हुए इशार फरमाया कि ये शख्स मेरी उम्मत में अल्लाह पाक के नबी हजरते इब्राहिम अलैहि सलाम की तरह आग में जलने से महफूज रहा सुभान अल्लाह जी क्या सुनाया था अब्दुल अती भाई क्या बताया हमारे सुफिलला भाई ने कुछ बताया नहीं बताया भाई सुफिलला भाई आपने कुछ नहीं बताया बताएं तो कह रहे बताया चले भाई आबान भाई से पूछते हैं आबान भाई क्या बताया सुफिलला भाई ने हम्म कुछ थोड़ा सा कोई साहबी की क्या सुनाई थी इन्होंने पहले अफान भाई से सुनते फिर तवज्जो से सुनिएगा फिर बताइएगा कि क्या बता रहे हैं अफान भाई जी कलामत सुनाई क्या सुनाइए दोबारा जोर से कलामत, कलामत सुनाइए करामत सुनाइए हाँ पहले सीन का मसला था अब रे का भी हो गया क्या करामत सुनाइए क्या सुनाइए करामत क्या सुनाइए आप बताएं क्या करामत थी अच्छा साहबी का नाम क्या था बताएं आप से ही पूछ रहा हूँ। हूं जी पूरा हजरत ज़ुबैर बिन वकील रदी अच्छा भाई हजरत ज़ुबैर बिन वकील देख लिया आपने खुद से तो नहीं जात क्या नाम जी हजरत ज़ुबैर बिन कुबैर जिलान अब आप सफिला भाई से ही पूछ लेते जी हजरत ज़ुएब बिन कुलैब रदी अल्लाह हजरत बिन कुलैब जी मदनी चैनल के नाजीन अगर कोई यूनिक सा नाम चाहिए तो आज हमारे सफ़ी भाई ने एक सहाबी रसूल का नाम बताया है, जुएब क्या नाम है जुएब हाँ एक होता है जुहेर वो एक अलग है ये है जुएब ठीक है जी लिखते कैसे ये बताया ज़रा कैसे लिखा हुआ है आप बता दें हाँ जा है फिर उसके बाद है, है। जा, जा। जा, जा। और

ठीक है है तो बड़ा अच्छा सा एक नाम नाम आपको मिल गया ये नाम भी रखा जा सकता बिन ताला और क्या करामत थी इनकी अब ये अगर पता चल पूछा और उसके लिए तो बहुत सारा फिर टाइम चाहिए होगा अब टाइम कम है तो तवज्जो से सुनना चाहिए कैसे सुनना चाहिए तोज्जो से अब उन्होंने करामत सुना दी मैं आपसे सुन रहा हूँ अब आप नहीं सुना रहे इतने सारे मदनी चैनल पर देख भी रहे होंगे लोग हैं हो सकता है आपने भी घर में कहा हो हमें देखिएगा अब लोग क्या कहेंगे भाई ये वहाँ बैठे हुए थे और इनके सामने करामत सुनाई गई इनसे पूछा जा रहा है तो इन्हें कुछ पता नहीं है तो ये अच्छी बात है क्या तो हमारी तवज्जो होनी चाहिए ताकि ताकिवज्जो रहेगी तो इंशाल्लाह हमें बहुत सारा इल्म दीन सीखने का जो मौका मिला है वो वाकई हम सीखने में कामयाब होंगे चले जी अब आगे चलते हैं आगे चलने से पहले कुछ कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी मेरा नाम मोहम्मद हसन है मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ आज के सवाल का जवाब है पीर शरीफ को हुई चैनल जोरदार नारा लगा के दिखाया फान भाई

मेरा नाम शाह है आपके के <Yeah, Allah> <Yeah, Allah> <Dubai> I will take your name if I fall te take your name if I fall down. I will take your आमीन माशा माशा ये थे हमारे शाहजमान भाई और बड़े अच्छे अंदाज से कॉल करते हैं बड़ी दूर से इनकी कॉल आती है बाज़ अवकात वॉइस बड़ी अच्छी आ रही होती है समटाइम्स वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप कोशिश करा करें वॉइस जितनी अच्छी आएगी माशा पिछली दफ़ा शेर वाजें समझ में आया था अब जो है वो पहला वाला मिस्रा इतना समझ में नहीं आया दूसरा वाजे था तो जबरदस्त माशा मेरे के लिए पसंदीदा कलामों में से कलाम है बड़ा अच्छा आपने सुनाया अल्लाह पाक आपको बरकते अता फरमाए जी और कॉल मी नेक्स्ट मैं हूँ गुलाम गुलामारी अल्लाह, आप भी कहते माशा अल्लाह पाक आपको बरकत फरमाए जिन बच्चों ने कॉल्स की और जिन्होंने कॉल्स नहीं की वो बाद में कर लीजिएगा ठीक है जी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना करें और अगर कॉल नहीं कर सकते कोई बात नहीं से देखा जरूर करें अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री मेरा प्यारा दी मेरा प्यारा दी जी सेगमेंट है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री कल क्या सुना था हमने अफान भाई कहा ऊपर कहीं है कुछ लिखा हुआ ऊपर सफील्ला भाई देख के बताएं जी अफान भाई या फिर बगदाद भाई से पूछ लें फिर हम कल क्या सुना था हमने बगदाद भाई की तरफ आ जाते हैं जी बगदाद भाई मुस्कुरा रहे हैं बता नहीं रहे अब क्या करें अब्दुल आदी भाई आपसे पूछ लें नहीं पूछे क्यों आप कल नहीं थे हमारे साथ तो चलें कोई बात नहीं हम ही आपको बता देते हैं दोबारा से और आज जो सुनेंगे फिर वो उसका क्या होगा वो तो कल भूल जाएंगे रोज़ सुनते जाएं भूलते जाएँ <laughs> क्या होगा फिर जी हज़रत फारूक आज तुम की बहुत सारी खिदमात सुनी थी हमने जी आ गया कुछ कुछ क्या हुआ था जब लोग जंग पे जाते थे तो फिर आप हजरत उनके घर का सारा निजाम करने लग जाते सब कुछ जाता हाँ ख्याल करते थे उनका निज़ाम सही चलता रहा और एक खास बात और सुनी थी हमने तालीम से मुतालिकरत ने तालीम के हवाले से बहुत अच्छा निजाम रखा हुआ था क्या रखा हुआ था <laughs> के उसके अंदर फीस भी नहीं भरनी पड़ती थी। जी क्या नहीं करना पड़ता था अब बान भाई फीस मुफ्त देखिए बहुत सारे होते हैं ना फीस देनी पड़ती है बच्चों को पढ़ने का शौक़ है पर इतनी महंगी फ़ीस नहीं दे सकते वैसे माशाल्लाह यूँ कह लीजिए फैज़ान फ़ारूक़ आज़म दावत इस्लामी को मिलता है ख़ासतौर पर जो मदीना है आप भी मदीना में पढ़ते ना उसकी फ़ीस होती है फीस नहीं होती ना फ्री में माशाल्लाह कुरान पाक की तालीम दी जाती है भी कराया जाता है और बहुत सारे मदारस के अंदर तो लिखना पढ़ना भी सिखा रहे हैं आप बच्चों से तो पैसे नहीं लिए जाते लेकिन आप लोगों को इसमें साथ देना होता है तो आप दावत इस्लामी का साथ देंगे इन श्रा ये फ़ैज़ान और बढ़ता चला जाएगा पाकिस्तान भर में बाहर दूसरे मुवालिक के अंदर भी माशाल्लाह ये मदारस वगैरह का सिलसिला जारी है और आज हम ये सुन रहे हैं कि हज़रत फारुक एजमदी अल्लाह तुम किस तरीके से लोगों की मदद किया करते थे यानी वैसे तो हम ये भी सुन चुके हैं कि ालिम को जुल्म से आप रोकते थे और मजलूम को उसका हाथ दिलवाया करते थे ये सुना था ना फान भाई हमने और आज हम ये सुनने लगे हैं कि हजरत आजम यानी दिन के अंदर भी लोगों की मद... दिन में भी लोगों की मदद करते थे और रात के अंदर भी जो है वो लोगों को देखते थे कि किसी को कोई, कोई प्रॉब्लम है कोई मुश्किल है तो आप उसकी हेल्प किया करते थे आपका एक वाक मिलता है हजरत इमाम औजाही फरमाते कि एक बार हजरत फारुक आजम रात को अकेले निकले रात को अकेले निकले अब रात को जब उन्हें देखा तलहा बिन हज़रतलहाबैदुल्ल ने तो उन्होंने सोचा मैं देखूँ इस टाइम रात में कहाँ जा रहे हैं अब देखा कि हज़रत फ़ारुक़ तआला ने एक घर में गए किसी के घर में गए और फिर जो है उस घर से बाहर निकले और फिर एक और घर के अंदर गए अब आप बड़े हैरान हुए कि यह क्या मामला है तो बाद में आपने घर देख लिया कि कौन सा है तो बाद में जाकर वहाँ पर आपने मालूम की कि भाई क्या मामला है यहाँ हजरत फारुक एजमदी अल्लाह तहो क्यों आए थे तो वहाँ पता चला कि एक जो है वो बूढ़ी नाबीना खातून मौजूद हैं एक बूढ़ी नाबीना अपाहिज खातून मौजूद यानी जो माजूर थी और नाबीना भी थी वो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछा कि हजरत फारुक एजमदी अल्लाह तहो क्यों आए थे तो आपने बताया क्योंकि देख रहे हो मैं तो आप काम काज नहीं कर सकती दिखता भी नहीं है मुझे तो ये हजरत उमर रदी अल्लाह मेरे घर आते हैं और मेरे काम काज करके चले जाते हैं सुबह अल्लाह आप हैं कौन खलीफा हैं अमीर हैं कौन है खलीफा हैं कौन है अफान भाई खलीफा हाँ आप किसी और को भी बेच सकते थे लेकिन आप खुद आते थे और उन खातून का काम कर कर चले जाया करते थे उनके जो भी मसाइल थे घर के काम काज वग़ैरह करके हजरत उमर रदी अल्लाह त चले जाते थे इसी के साथ हमारे प्रोग्राम के वक्त को पहुँचा हमें दुआ में याद रखना है सलूल हबीबल तेरा अलैहि वसल्लम मेरा दी